जब तक हिंदू हिंदू के दुश्मन बने रहेंगे। मौका परस्त लोग, विदेशी लोग, स्वार्थी लोग हिंदुओं पर शासन करते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने से। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण की, आज हम बात करेंगे जातिवाद की। आज ये दो खबर देखिए, एक खबर धर्मांतरण की है, हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक खबर ये है कि अनुसूचित जाति की एक बारात पर लोगों ने पथराव किया। हमारे देश में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज भी लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। आज भी पिछड़ी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के जुल्म के शिकार हो रहे हैं। इसी जाति भेदभाव के कारण, इसी जुल्मों के कारण पिछड़ी जाति के लोग धर्मांतरण पर विवश हो रहे हैं। इसलिए हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। आज हिंदुओं को खतरा किससे है? हिंदू ही हिंदू के लिए खतरा बने हुए हैं। कई हिंदू रक्षा समितियां बनी हुई हैं, वो हिंदुओं की रक्षा किससे कर रहे हैं? जहां धर्मांतरण हो रहा है उस धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत सारी हिंदू रक्षा समितियां बनी हुई हैं। वो धर्मांतरण करने वालों के साथ मारपीट करते हैं, कई बार तो हत्याएं भी कर देते हैं, लेकिन ये बात समझने को तैयार नहीं है कि ये धर्मांतरण हो क्यों रहा है। इसी जातिवाद, जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत के कारण पिछड़ी जाति के लोग हिंदू धर्म से विमुख हो रहे हैं और धर्मांतरण करने पर विवश हो रहे हैं। हमारा प्रगतिशील युवा, पढ़ा लिखा तबका भी हिंदू समाज में फैली कुरूतियों, पाखंड, कर्मकांड, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरूतियों के कारण हिंदू धर्म से विमुख हो रहा है। आखिर हिंदुस्तान की ये हालत कैसे हुई? असल में हिंदुस्तानियों पर कई विदेशी शासकों ने शताब्दियों तक शासन किया, हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखा। सबसे पहले यूनानियों ने हम पर शासन किया। बौद्ध काल में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। यूनानियों के यवन शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा सिकंदर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। यूनानियों के बाद शक शासकों ने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। शक शासकों ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। तीसरे विदेशी शासक थे कुषाण, ये तिब्बत के यूची कबीले के लोग थे। चौथे विदेशी शासक थे हूण। हूण बहुत ही क्रूर थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर शासन किया। हूणों के बाद शासन किया अरबों ने, ईरानियों ने। छठवें विदेशी शासक थे गजनवी तुर्क। गजनवी ने कई मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं का कत्ल किया। उसके बाद भारत पर गोर तुर्क ने शासन किया। मोहम्मद गोरी ने भी हिंदुस्तान में कत्लेआम किया और भारत को लूटा। आठवें शासक थे खिलजी वंश और तुगलक। इन क्रूर शासकों ने भी भारत को लूटा। उसके बाद भारत पर मुगलों और अफगानों ने शासन किया। चंगेज खां, तैमूर लंग जो कि तुर्क से था, अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे कई शासकों ने दिल्ली पर राज किया और आखिर में बहादुर शाह जफर दिल्ली का सुल्तान बना। आखिरी विदेशी शासक थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने करीब 250 साल राज किया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा जमाना शुरू किया। करीब 150 साल राज करने के बाद 1857 की क्रांति के बाद भारत की कमान ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गई और ब्रिटिश राज ने करीब 90 साल भारत को गुलाम बनाए रखा। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत का धर्म के नाम पर विभाजन कर दिया। इन विदेशियों के कारण ही भारत में एक ओर जहां वैचारिक भिन्नता का जन्म हुआ, वहीं विदेशी धर्मों का विकास हुआ।
विदेशी लोगों के आगमन से जो एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, उसका असर आज तक भारत में देखने को मिलता है। अखंड भारत खंड खंड होता गया और वहीं भारतीयों में ही अब धर्म जाति के नाम पर फूट हो गई। जातियों में बंधे रहने का मुख्य कारण वर्ण संकर समाज से बचने का था। आज भारत में जो भी जातियां समाज नज़र आते हैं, उनकी शुरुआत 1500 साल पहले ही हो गई थी। आज़ादी मिलने के बाद हमारी राजनीति ने जातिवाद को और हवा दी। हमारे देश में आज भी भेदभाव है, छुआछूत है, कुरीतियाँ आज भी विद्यमान हैं। उसका कारण है हमारी राजनीतिक परिस्थिति। हमारे राजनीतिज्ञों की गलत नीति के कारण ही आज हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बने हुए हैं। हमारा पूरा हिंदू समाज जातियों में, छोटे छोटे समाज समूहों में बटा हुआ है। हिंदुओं को इस जातिवाद से बाहर आना होगा। जब तक हिंदू हिंदू के दुश्मन बने रहेंगे, मौका परस्त लोग, विदेशी लोग, स्वार्थी लोग हिंदुओं पर शासन करते रहेंगे। नमस्कार।